एवरीवन, तो आज है हमारा डे 5th हमारे कश्मीर ट्रिप का। तो आज हम निकल पड़े हैं गुलमर्ग की तरफ और वहीं पे होगी हमारी गंडोला राइड। उसके टिकट्स हमने एडवांस में ही बुक कर लिए थे, फेज 1 एंड फेज 2 के। तो उसका लिंक, एक्चुअली द एंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन, तो आपको वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ही बुक करना पड़ेगा। पहले ऑफलाइन टिकट काउंटर्स हुआ करते थे, बट अभी वो बंद कर दिए गए हैं। तो अभी अगर आपको टिकट्स चाहिए तो आपको ऑनलाइन ही इज द ओनली वे टू यू नो बुक योर टिकट्स। उसका लिंक एंड उसका एंटायर प्रोसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बने रहिए व्लॉग के साथ, देखते हैं गुलमर्ग में बर्फ का क्या सीन है। टिल देन बाय बाय। तो गाइस ये सीधा रोड जाएगा बॉर्डर एरिया उरी की तरफ और ये हम टर्न ले चुके हैं लेफ्ट फ्रॉम द मेन रोड और ये जाएगा हमारा गुलमर्ग की ओर। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मगाम मार्केट में। तो ये यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है और ये 26 जो आसपास के गांव हैं उन सबका एक ही कॉमन मार्केट है। अभी हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है तो पूरा मार्केट सही से खुला नहीं हुआ है, बट ये काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। मागम। तो गाइस अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। श्रीनगर से गुलमर्ग पड़ता है अराउंड 51 किलोमीटर्स। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बट ड्यू टू द माउंटेन्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ता है, टाइम मार्जिन। और ये हमने ब्रेक लिया है, इसका नाम है राजा रेस्टोरेंट और पीछे एक जैन फूड रेस्टोरेंट भी है, पयाम फूड। तो अगर आप जैन हैं हमारी तरह तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं तंगमर्ग की ओर। यहीं पे से टैक्सीज आगे बढ़ती है जब काफी ज्यादा स्नोफॉल होता है तो। और यहाँ पे करते हैं कुछ रिसीट्स, एंट्री टिकट्स। जब स्नो होती है तो गाड़ियाँ यहीं पे रुकती है, यहाँ से चेन वाली गाड़ियाँ। अच्छा, और यहाँ से कितना है भैया ऊपर? 17-18 किलोमीटर। अच्छा, तो बस यहाँ से 18 किलोमीटर और है अभी गुलमर्ग। और जब यूजुअली विंटर्स, जब पीक विंटर्स में जब यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है तो यहाँ से ऊपर नॉर्मल कैब्स नहीं जा पाती हैं बिकॉज ऑफ यू नो रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल जो कैब्स होती हैं जिनके टायर्स पे यू नो चेन्स लगाई जाती है और उसके बाद वो गाड़ियाँ ऊपर की ओर जाती है। बट अभी इस सीज़न में जैसा कि आपको पता ही है अभी स्नोफॉल नहीं है इसलिए गाड़ियां सीधी आपकी ऊपर की ओर जा रही है। ये देखिए गाइस, ये है आपका मेन टैक्सी स्टैंड। अच्छा मार्केट भी है यहाँ पे पास में। गाइस अभी हमने ले लिए हैं स्नो बूट्स, शानू ने अपने बूट्स पहन लिए हैं और हम सोच रहे हैं यहीं से पहनकर ऊपर जाते हैं क्योंकि फिर वापस से ऊपर चेंज करना ही है। तो गाइस अभी हमने हमारे स्नो बूट्स पहन लिए हैं और वापस से हम निकल पड़े हैं हमारे गुलमर्ग के रास्ते की ओर। तो यहाँ से अब हमें काफी हाइट पे चलना है तो चढ़ाई वाला रास्ता शुरू होता है अब। तो ये स्नो बूट्स हमने लिए हैं दो पैर और 200 ईच इनका रेंट है। यही गुलमर्ग के रास्तों की चढ़ाई और ये साइड में है आपके पाइन ट्रीज। ये
ये था चेक पॉइंट, उन्होंने टिकट देख लिया और हमको अलाउ कर दिया। जो टिकट हमने नीचे कटवाया था वो यहाँ पे चेक होता है। तो गाइज अभी हम आ गए हैं सनशाइन पीक व्यू पॉइंट पे। फॉरेस्ट व्यू पॉइंट जिगमोट गुलमर्ग, ऑल्टीट्यूड इज 2609 मीटर्स। और भाई व्यू देखिए यहाँ से, जाना है ऊपर की ओर। ये है हमारा व्यू। वे टू गंडोला। गंडोला के लिए रास्ता है लेफ्ट से, और ये आ गया है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। तो गाइज अभी हम हैं टैक्सी स्टैंड पे, और यहाँ से अपना रास्ता है गंडोला राइड के लिए। और दूर वो पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं वो हमारा फेज टू है। वहाँ पे हमको फेज वन के बाद जो गंडोला लेना पड़ेगा वो हमको लेके जाएगा उस पीक पर। और देखिए गाइज यहाँ का व्यू, नीचे इतना बर्फ नहीं है, थोड़ा बर्फ है, बट होपफुली फेज टू पे बहुत ज़्यादा बर्फ होने वाला है। तो गाइस ये यहाँ पे जो लोकल साइट सीन है, गंडोला है यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर, महारानी टेंपल, महाराजा पैलेस, गोल्फ क्लब, चिल्ड्रंस पार्क, कोटा पथरी, चाइल्ड केयर सेंटर एंड प्रीपेड पनी टिकट काउंटर। तो चलिए देखते हैं गाइस फेज टू का व्यू देखिए, बहुत सुंदर माउंटेन्स। और ये है रॉप वे का रास्ता। भाई ये हम निकल पड़े हैं हमारे गंडोला राइड की तरफ। ये पूरा स्नो में ढका हुआ होता है यूजुअली विंटर्स में, बट अभी फिलहाल थोड़ा ही बर्फ है। टैक्सी स्टैंड से आपको गंडोला पॉइंट तक जाने के लिए काफ़ी वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं। लाइक आप शेयरिंग कैब कर सकते हैं, आप पोनी राइड ले सकते हैं, आप ATV बाइक्स भी ले सकते हैं, बट डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर्स के आसपास है डिस्टेंस। गाइस प्राइमरी हेल्थ सेंटर और काफ़ी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे ऑन द वे टू आपके गंडोला राइड पॉइंट तक। देखिए भाई स्नो, काफ़ी स्नो इकट्ठा हो गया अभी रिसेंट में, जो स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे 18 तारीख को आई गेस। और ये है अपना फेस टू, हमको जाना है ऊपर तक, टॉप ऑफ द माउंटेन, जो हमारा फेस टू राइड हमको लेके जाएगी। और यहाँ पे आपको सारे फैसिलिटीज, एम्बुलेंस, सारी मेडिकल फैसिलिटीज, क्योंकि गाइस ये काफ़ी हाइट पे है पॉइंट, इसलिए आपको या किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। भाई इतनी ठंड है कि देखो पानी जम गया झील का, या जो भी है वाटर स्पोर्ट है। भाई बहुत भयंकर ठंड है। तो गाइस यहाँ पे काफी सारे हट्स बने हुए हैं, ये हट्स को मेंटेन करता है जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन। इनको आप इजीली बुक कर सकते हैं उनके वेबसाइट पे जाके,
और ये हट साहब को जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं लाइक गुलमर्ग, पहलगाम, दूधपथरी, युसमर्ग, सभी जगह आपको जेएनके के ये हट्स मिल जाएंगे। और गाइस यहाँ पे बहुत स्नो है। लुक एट दैट माउंटेन गाइस, सो ब्यूटीफुल। गाइस ये सामने आ गया है हमारा गंडोला का पॉइंट का रास्ता है स्ट्रेट, और हमारे इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के जवान देश की सुरक्षा में तैनात। गाइस मैं जब भी इनको देखता हूँ ना गाइस, इतना अच्छा फील होता है कि हमारे लोग इतना सेफ फील करते हैं इन लोगों की वजह से। गाइस सैल्यूट टू देम, जय हिंद। और ये रास्ता जाता है सीधा गंडोला की तरफ, और सेकंड वाला जाता है गोल्फ क्लब, महाराजा पैलेस एंड चिल्ड्रन पार्क एंड स्काई शॉप। गाइस वी आर ऑन द वे टू आवर गंडोला पॉइंट। देख सकते हैं सभी जगह स्नो बिखरी हुई है। अभी काफी रिसेंटली यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, आई गेस 8-10 दिन पहले, उसी वजह से ये सारी स्नो यहाँ पे इकट्ठा हुई है। और टेम्परेचर गाइस, क्योंकि अभी जो 40 दिन का एक तो यहाँ पे पीरियड बोला जाता है जिसे बोलते हैं छिलाई कला, ये कश्मीर का सबसे एक्सट्रीम ठंड वाला पॉइंट होता है गाइस। यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी है गाइस, पूरा ऐसा दिख रहा है जैसे तो दूध की सरफेस हो, इतना वाइट है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। और ये हम बढ़ चले हैं गंडोला पॉइंट की ओर। यहाँ पे आपको रास्ते में काफी चिप्स, यू नो चॉकलेट्स, वाटर बॉटल्स, काफी वेंडर्स आपको आके अप्रोच करेंगे। और ये यहाँ पे भी आपको आइस स्केटिंग और यू नो स्लेजेस वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको ये एक्टिविटीज एंजॉय करनी है, आप डेफिनेटली यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। ये छोटे बच्चों के लिए काफी एंटरटेनिंग स्पोर्ट लग रहा है, डेफिनेटली बच्चे एंजॉय कर सकते हैं ये एक्टिविटीज। यहाँ पे काफी सारे चाइल्ड केयर सेंटर्स भी हैं, आपको गाइड्स के लिए अप्रोच किया जाएगा गाइस। यूजुअली यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह जाने के लिए आपको गाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट यू नो टू हैव वन, देन डेफिनेटली यू कैन बार्गेन एंड देन यू नो बुक वन फॉर योरसेल्फ। गाइस ये गंडोला राइड का एंट्रेंस पॉइंट है जो कि मैनेज्ड है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और ये है हमारा एंट्रेंस पॉइंट। तो ये एक्चुअली मेन एंट्रेंस पॉइंट है, यहीं से आपको फेज वन के लिए बोर्ड करना है अपनी राइड। तो लेट्स सी, चलते हैं अंदर। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं गुलमर्ग गंडोला राइड के लिए। गाइस लाइंस देखिए गंडोला के लिए, काफी भरा हुआ है। और अभी हम एक्चुअली ढूंढ रहे हैं वॉशरूम, तो ये रहा सामने वॉशरूम। लुक एट द लाइंस गाइस, काफी भीड़ है आज एक्चुअली। गाइस बहुत लंबी लाइन है यार, करीबन 20 मिनट तो हमको हो गए लाइन में लगे हुए। यहाँ पे काफी यहाँ के लोकल लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको 2 घंटा वेटिंग पीरियड लगेगा और वेटिंग टाइम लगेगा और ऐसा कुछ, बट आई डोंट थिंक 2 घंटे लगेगा, बट स्टिल टाइम लगने ही वाला है। गाइस यहाँ पे होगा हमारा टिकट और आईडी चेक, हम जा रहे हैं इधर से। और ये है लंबी लाइंस, चलिए चलते हैं। इस लेफ्ट साइड वाला जो गेट देख रहे हैं, यहाँ से होती है एंट्री, यहीं से हम लोग आए हैं, और ये पीछे लाइंस में होते हुए। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट गेट की ओर, जहाँ से हमको जाना है ऊपर स्टेयर्स की तरफ, यहीं से हमको हमारी गंडोला राइड लेनी है।
और उसके लिए पहले हमको अपने टिकट स्कैन करवाने हैं गाइस और आईडी दिखानी है, तो चलिए चलते हैं। गाइस हमने हमारे टिकट चेक करवा लिए हैं और हम चल पड़े हैं गंडोला राइड की ओर, और ये है हमारा बोर्डिंग पॉइंट, तो चलिए चलते हैं और बोर्ड करते हैं हमारी राइड। गाइस अभी हम हैं 2650 मीटर्स की हाइट पे, ऑल्टीट्यूड पे, और ये है हमारा एंट्री पॉइंट। भाई टिकट्स हमेशा जेन्युइन सोर्सेस से ही खरीदा है। अगर आप बाहर से कोई टिकट्स आपको बोलता है देने के लिए तो बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जेन के केबल कार एसोसिएशन की, वहीं से टिकट्स बुक करें। तो गाइस अभी हम एंटर कर रहे हैं हमारे गंडोला राइड के लिए, इतनी लंबी लाइंस के बाद फाइनली। और वन बाय वन जैसे ही गंडोला आती है उसमें 6 पैसेंजर एक गंडोला में राइड करते हैं और ये निकल पड़ती है फेज 1 के लिए। गाइस अभी हमने बोर्ड कर लिए हमारी गंडोला फेज 1 के लिए। और ये हम निकल पड़े हैं हमारी गंडोला राइड से। भाई काफी अच्छी स्पीड में चल रहा है यार ये। नाइस नाइस। गाइस व्यू बहुत ऑसम है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसा हमने सुना है 15 मिनट लगते हैं ऊपर तक जाने में फेज 1 में। गाइस हमारा गंडोला अभी थोड़ा रुक चुका है ऑन द वे, गाइस अभी हम आ चुके हैं फेज 1 से और ये यहाँ से होके हम उतरे हैं, और जैसे ही उतरते हैं फेज 2 के लिए रास्ता आपको यहाँ से आगे राइट पे मिलेगा। तो आप यही है कि आप सबसे पहले फेज 2 पे जाके एंजॉय करें, उसके बाद आप रिटर्न में फेज 1 होते हुए नीचे जाएं। तो लेट्स गो टू फेज 2। ये हमारी फेज 2 के लिए केबल कार, तो गाइज अभी हम हैं फेज 2 की केबल कार में और अभी हम जा रहे हैं फेज 2 के लिए। और गाइज अभी हमने बोर्ड कर ली है फेज 2 के लिए केबल कार, और लकीली हम दोनों ही हैं केबल कार में। बहुत स्पीड से चल रहा है यार भाई, फेज 2 का व्यू तो बहुत ही औसम है। गाइस फेज 2 का रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, ये इतना हाइट पे है ना गाइस, आप मेरे को पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, क्योंकि इसके जो ग्लासेस हैं केबिन कार के थोड़े ब्लर हो रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये बहुत हाइट तक जाएगा। बाप रे, और पूरे
माउंटेन्स स्नो में ढके हुए हैं गाइस, पूरे के पूरे। चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। कहां से आ रहे हैं, कुछ नहीं दिखता गाइस। अभी हम आ गए हैं फेस टू पे, और ये जो नजारा है ना भाई, ये तो शायद कभी देखा भी नहीं, और शायद पता नहीं कहाँ पे ही दिखता होगा ये नजारा। बहुत सुंदर, पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़, और इतनी हाइट पे आई गेस 15,000 मीटर की हाइट है सी लेवल से, बहुत हाइट पे है। भाई अभी हम हैं फेस टू ऑफ गंडोला राइड। ये है अराउंड 15,000 मीटर फ्रॉम सी लेवल, इट्स ऑल्टीट्यूड। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का लिटरली बहुत कम फील हो रहा है, थोड़ा सा चलते ही ऑक्सीजन ऐसा लग रहा है सांस मारने लग रहा है। भाई व्यू तो इतना सुंदर है ना, स्लेज तो करी नहीं थी तो इस पूरे रास्ते से चल के आने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ ऊपर से हम वहाँ से आ रहे हैं फिसल फिसल के, और पैदल आए फिसलते हुए पैदल गए और फिसलते हुए आए। गाइस अभी हम हैं फेस टू पर, और ये है अप्रावत माउंटेन, और दूर पीछे इंडियन आर्मी का कैंप। गाइस फेस टू के सबसे टॉप पर आपको ये आर्मी का बेस कैंप भी देखने को मिलेगा। भाई इंडियन आर्मी कहाँ कहाँ पर है यार, कैसे ये लोग अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में गाइस। आप पीछे आई एम नॉट श्योर अगर ये विजिबल है कि नहीं, बट स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं।